Welcome all. I am Himanshu Agrawal and I am going to discuss today about financial inclusion. So what is financial inclusion? This term is, you know, being prevailing in the country very much right now. So what does it mean? Meaning and general understanding. Basically, when we talk about financial inclusion generally means the availability and equality of opportunities to access financial services. So here we can see two words, availability and equality of opportunities. Yani opportunities paane ke liye avsar aur samanta har jagah honi chahiye desh ke andar aur किसी भी ग्रुप में भेदभाव किए बिना फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं कंट्री में, प्रोवाइड की जानी चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ वेयर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स दैट आर डिलीवर्ड इन अ रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, वन ऑफ इट्स मेन aims is to get the unbanked and underbanked area to have better access to financial services. So what is the main, you know, object behind it? So a particular country always wants to cover or to take into consideration each and every region of its country into financial services. So financial services or financial infrastructure should be available in each and every place, चाहे वो banked area हो जहाँ पे bank हो. Otherwise जो ऐसे areas जहाँ bank का regulation नहीं है, जहाँ RBI का कोई नियम एंड कानून जो होते हैं वो नहीं है, तो ऐसे areas को financial services के अंदर include करना और उनकी supervision करना, how they are, you know, growing themselves, how they are dealing with the customers. So इन सब चीज़ों को देखना और उनको एक फाइनेंशियल, यू नो, एक सेटअप में लाना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यूजर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. आई हैव पर्टिकुलरली हाईलाइटेड द, यू नो, होल वर्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई भेदभाव किए बिना, किसमें, कोई स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यूजर्स को ना देखे. You know, when we are launching a particular thing in a country, so it should be, given to all, not a particular targeted group. So it's a key objective of financial inclusion. Next, we have the United Nations defines the goals of financial inclusion as follows. United Nations ने, UN ने कुछ goals specify किए हैं financial inclusion के. तो वो कौन-कौन से goals हैं? ये आपका मेन है. इसके अंदर पहला गोल है एक्सेस एट अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर ऑल हाउसहोल्ड टू अ फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सो ये क्या है? एक्सेस का मतलब होता है कि उन्हें मिलने चाहिए, उनके पास राइट होने चाहिए, वो इजीली उस चीज़ को यूज़ कर सकें, ठीक है, और एक रीजनेबल कॉस्ट पे, ना कि इतनी हाई कॉस्ट रखो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज की कि उसे केवल जो हाईली इनकम, यू नो, जनरेटिंग पीपल हैं वही उसे अफोर्ड कर सकें. ऐसा नहीं है. एक रीजनेबल कॉस्ट पर सभी को अवेलेबल कराना फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग्स और डिपॉजिट सर्विसेज. इसके अंदर सेविंग की भी और डिपॉजिट करने की भी सर्विसेज आती हैं, पेमेंट एंड ट्रांसफर सर्विसेज, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस. तो ये सभी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि सभी को एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप को जो कि हाईली इनकम जनरेटिंग ग्रुप हो. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेसिफाइड बाय UN इज साउंड एंड सेफ इंस्टीट्यूशंस गवर्न्ड बाय क्लियर रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सो Each and every place we need a law. You know, there is not a single place, so there is not a single, you know, institution which can independently do anything. So for each and everyone there is a law. Sound and safe institution governed by clear regulation. Yani एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाना चाहिए जो कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करे और गवर्न करे. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स.
यहाँ सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सर्विसेज एक साथ आए है ना और बहुत सारी स्टेबिलिटीज की स्कीम्स एक साथ आए पर टिके ना, वो टिके उनका प्रॉपर तरीके से सुपरविजन के साथ साथ उनका क्या आउटकम है उसको देखते हुए इनको आगे बढ़ाना चाहिए। कंपटीशन टू चॉइस एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर क्लाइंट्स, कंपटीशन टू इंश्योर चॉइस, बेसिकली कंपटीशन शुड बी हेल्दी, नॉट यू नो नेक कटिंग कंपटीशन। अगर कंपटीशन हेल्दी है तो वो अल्टीमेटली कस्टमर्स के लिए ही फायदेमंद है और उन्हीं को वो फायदा पहुंचाएगा। प्राइसेस वॉर जो होंगी वो कस्टमर्स को अल्टीमेटली फायदा पहुंचाती हैं। तो गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आप कंपटीशन हेल्दी है और फिर भी उसे रोक रहे हो, ये नहीं है, गवर्नमेंट विल प्रमोट इट। नेक्स्ट वी हैव इन पार्टनरशिप विद द नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारी एक रीजनल जो बैंक्स होती हैं उनकी एक तरीके से रेगुलेटर है। इन पार्टनरशिप विद द नाबार्ड द UN एम्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर एंड डेवलपिंग एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर देम एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अवेलेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी पर्टिकुलरली अमंग वुमेन। सो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। ये नहीं है कि आप केवल फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हो और लॉन्च करने से ये हो जाएगा कि सभी उसके अंदर यू नो इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी बडी इन द कंट्री नोज हाउ टू यूज यू नो पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर सर्विसेज, पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। तो उसे चलाना भी आना चाहिए एंड पर्टिकुलरली अमंग वुमेन। वुमेन को भी ऐसे ही एम्पावरमेंट, आजकल एक टॉपिक छोड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे यू नो आगे बढ़ाया जाए, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी एक इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल लिटरेसी अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ की जाएगी और उसकी नॉलेज दी जाएगी तो वुमेन विल स्टैंड ऑन देयर फीट। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंट्री विच इज इंडिया। सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन वॉज यूज फॉर द फर्स्ट इन अप्रैल 2005 इन द एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय वाई वेनु गोपाल रेड्डी। वाई वेनु गोपाल जो रेड्डी हैं देन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन फीचर्स लेटर इन 2005 में भी ये फीचर हुआ अगेन व्हेन इट वाज यूज्ड बाय केसी चक्रवर्ती। उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्स्टली इंडिया में कब यूज किया गया, ये टर्म जो था पर्टिकुलरली इंडिया में यूज हुआ 2005 में। किसके समय पे? केसी चक्रवर्ती द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक के चेयरमैन थे। बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया वेयर ऑल हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड बैंकिंग फैसिलिटीज। नॉर्म्स बिकेम लेस स्ट्रिक्ट। अब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन वी शुड यू नो आल्सो इंश्योर दैट देयर इज अ क्लियर एंड कट और क्रिस्टल क्लियर यू नो प्रोसीजर, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी इजी, यू नो विच कैन इजीली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल और से मैनी पीपल टू यू नो साइन अप और से टू फॉलो और टू यू नो टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो नॉर्म्स बिकेम लेस स्ट्रिक्ट, जो नॉर्म्स होते हैं उनको कम स्ट्रिक्ट बनाया जाए for people intending to open accounts with annual deposit of less than 50,000 or 50,000 ke kam se jo annual deposit hai usse kam se is cheez ko open karaya gaya। the government of india recently announced pradhan mantri jan dhan yojana ko bhi recently announce kiya gaya hai, a national financial inclusion mission which aims to provide bank accounts to at least 75 million people by january 2016-2015। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है क्योंकि उसने एक स्कीम भी लॉन्च की है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि एक यही इनिशिएटिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी इन्वॉल्व्ड और शुड बी यू नो टेकन टू कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सो अ नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन विच एम्स टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स एटलीस्ट 75 मिलियन पीपल का टारगेट है बाय जनवरी 2016-2015 को लेके चला गया है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ नॉन फ्रिल्स अकाउंट्स, बेसिक बैंकिंग नो फ्रिल्स अकाउंट इज विथ निल और वेरी लो मिनिमम। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब क्या है कि निल
आप बहुत वेरी लो बैलेंस है और बिना बैलेंस के भी अकाउंट ओपन करा सकें, एज वेल एज चार्ज मेक सच अकाउंट एक्सेसिबल टू वास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। रिलैक्सेशन ऑन नो योर कस्टमर्स नॉर्म, KYC नॉर्म्स आजकल बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिए गए हैं बैंक्स के द्वारा। KYC रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग बैंक्स अकाउंट्स फॉर रिलैक्स फॉर स्मॉल अकाउंट्स इन August 2005, thereby simplifying procedures by stipulating that introduction by an account holder who has been subjected to the full KYC drill would suffice for opening such accounts. Opening of branches in unbanked rural centers, जो rural centers हैं उनमें भी banking की branch जो है वो establish की जाए, तो इसके लिए भी government of India ने काफ़ी ज़्यादा steps लिए हैं। इसमें क्या बोला गया है, to further step up the opening of branches in real rural areas so as to improve banking penetration and financial inclusion rapidly, the need for the opening of more bricks and mortar branches besides the use of BCs was felt. Accordingly, banks have been mandated in the April monetary policy statement to allocate at least 25% of total number of branches to be opened during a year to unbanked rural centers. So it is all I have discussed today. I hope you like it. And the information has been taken from the source which is Wikipedia. So you can also generate your videos, and please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.